पब्लिक टीवी आपकी आवाज। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर पूरे देश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सर्वप्रयास समिति द्वारा महिलाओं को पुरस्कार देकर सम्मानित, साथ ही महिला सशक्तिकरण करने के लिए प्रेरित भी किया गया। तो वही समिति के अध्यक्ष सुधांशु कौशिक ने बताया कि आज हमने गरीबों की मदद करने के उद्देश्य से खाने का स्टॉल लगाया है, जिसमें 5 रुपए में पेट भर के खाना खा सकता है। अध्यक्ष ने कहा, हमारा ये प्रयास रहता है कि कोई गरीब भूखा ना सोए। साथ ही लोगों से अपील की, किसी के भी घर में खाना बचता है तो वह खाने को खराब ना करते हुए किसी भूखे गरीब को दे, जिससे उसका पेट भी भर जाए। कार्यक्रम को सफल बनाने में समिति के अध्यक्ष व कार्यकर्ता का सक्रिय योगदान रहा। हमारा सीता रसोई का प्रोग्राम था और साथ ही साथ इसमें महिला सशक्तिकरण को आज यहाँ पर पुरस्कृत किया गया है महिला दिवस के उपलक्ष्य में, जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है, पर उसे हमने आज अपने 10 तारीख में इसलिए मनाया गया है क्योंकि हमारी सर्वप्रयास संस्था जो है उसको आज 3 साल पूर्ण हुए हैं, तो उसके उपलक्ष्य में हमने महिलाओं का सम्मान करने का ये प्लान बनाया यहाँ पर। और साथ ही साथ सीता रसोई हमारी प्रति मतलब हर रविवार को हमारे यहाँ होती है, जिसमें 5 रुपये में भर पेट भोजन हम लोग कराते हैं। जितना चाहे वो आके खा सकते हैं, ज़रूरतमंद लोग, गरीब लोग, सभी लोग। तो उसी सिलसिले में आज यहाँ पे ये प्रोग्राम हुआ है, जिसमें श्रीमती अल्पना रितेश गुप्ता जी भी यहाँ उपस्थित थी, हमारी चीफ गेस्ट थी, और साथ ही और भी गणमान्य लोग यहाँ पे उपस्थित थे, प्रदीप शर्मा जी, श्री गर्ग जी और शिव शर्मा जी, ऐसे कई हमारे अतिथि यहाँ पर आए थे जिन्होंने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।